आकाश में दिखने वाले करोड़ों नक्षत्रों, ग्रहों और अन्य पदार्थों का समूह ही यह विश्व है। ब्रह्मांड के हर कण में ऊर्जा है, इसीलिए समस्त सृष्टि को शिवमय बोलकर संबोधित किया जाता है। शिव जो हर जगह विद्यमान है, जो आदि योगी हैं। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लाखों प्राणियों को जीवन दिया है। जलप्रपात, नदियाँ, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधों समेत पृथ्वी पर प्रत्येक जीव को अपने ही प्रतिरूप की तरह देखा है, लेकिन उन सब में ज्ञान का उपहार उन्होंने केवल मानव को ही दिया है। उनके मूल तत्व को समझकर उन तक पहुंच पाने वाला केवल मानव ही है। उनके मूल को समझने वाले योगियों को हिमालय में दर्शन देते हुए अक्सर देखा जाता है। इसलिए हिमालय शब्द सुनते ही हमारे मन में अध्यात्म और ध्यान करते हुए सिद्ध योगियों की छवि बनती है। आध्यात्मिकता से जुड़कर परमात्म स्वरूप बन जाने की सभी शक्तियां मानव में हैं। हिमालय के विज्ञान का, हिमालय के रहस्यों का एक उदाहरण है महाअवतार बाबा जी। हिमालय में जिस तरह एवरेस्ट शिखर की बात उसकी ऊंचाई के लिए की जाती है, उसी तरह आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तर महाअवतार बाबा जी हैं। हिमालय में आध्यात्मिकता हजारों वर्षों से प्रतिष्ठित है। यह भूमि देव भूमि है। यह भूमि तप एवं ध्यान साधना की भूमि है। यहाँ साधकों को सुलभता से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मेरा यहाँ अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हम लगभग 10 दिनों से हिमालय में हैं। यहाँ बहुत शांति है और यहाँ ऊर्जा भी बहुत अधिक है। जब से हम यहाँ आए हैं, मैं बाबा जी की उपस्थिति को बहुत ज्यादा महसूस कर पा रही हूँ। जो तुम्हें चाहिए वो कहीं और या बाहर नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वो अनंत शून्य तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। इसलिए तुम्हें स्वयं के अंदर प्रवेश करना है, अंतर यात्रा करनी है। स्वयं में प्रवेश करने से, अपने अंदर की महान शक्ति से मिलने और उसे जानने से हम प्राप्त कर पाएंगे जो भी हम चाहते हैं। आध्यात्मिकता का चरम स्तर क्या हो सकता है, ये बताने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए एक सिद्ध योगी महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के नाम में ही उनकी प्रेरणा, उनके सिद्धांत, उनका व्यक्तित्व, उनकी विशिष्टता समाहित है। उनका सिद्धांत ये है कि मनुष्य को महात्मा बनने के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। महात्मा बनना है लेकिन खुद अपनी साधना से। आपके अंदर ही सब कुछ है। स्वयं में प्रवेश के द्वारा, अंतरदर्शन के द्वारा, केवल साधना, साधना और साधना संपत्ति के द्वारा हर मनुष्य पहले अवतार बनता है, फिर महावतार की तरह उसका रूपांतरण होता है। जब सच्ची भक्ति की बजाय मानव चढ़ावा करने के व्यापार में फंसा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में महावतार बाबा जी ने हमें बहुत महान आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करवाया है। बाबा जी को करीब 10,000 साल से अधिक लग गए। हिमालय में स्थित दुनागिरी एक बहुत ही अद्भुत एवं सुंदर स्थान है। रानीखेत महावतार बाबा जी की गुफा से 50 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही सुंदर स्थान है। ऐसा अक्सर सुना जाता है कि कुकुचीना पर्वत शिखर पर गगाचना नदी के किनारे एक गुफा में लाहिड़ी महाशय के गुरु महावतार बाबा जी ने कई बार दर्शन दिए हैं। लाहिड़ी जी का जन्म काशी के एक सनातनी परिवार में हुआ था, लेकिन व्रत और इच्छा पूर्ति के लिए पूजा पाठ करने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उनको कभी इस सबसे संतुष्टि नहीं मिली।
ఇదే ఆధ్యాత్మికత అంటే ఎందుకు ఆయనకి నమ్మబుద్ధి కాలే शिष्य के सिद्ध हो जाने पर गुरु किस तरह उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, लाहिड़ी महाशय का जीवन इसका एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। नौकरी का ट्रांसफर हिमालय क्षेत्र में होने पर उन्होंने सोचा कि हिमालय आया हूँ, किसी योगी को ढूंढता हूँ, शायद मुझे कोई महात्मा कुछ संदेश दे दें, मेरे अंदर की खोज में मुझे कुछ संतुष्टि मिल पाए। इस सोच से जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्हें गगाचना नदी के पास कुकुचीना पर्वत की श्रेणियों में एक आवाज सुनाई दी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा कि मुझे मेरे अंदर की खोज को जानने वाले एक व्यक्ति हैं, महावतार बाबा जी। उनके मुंह से निकली हुई सबसे पहली पुकार है महावतार बाबा जी। हिमालय के पर्वतों में 7 चिरंजीवी हैं और महाअवतार बाबा जी 8वें चिरंजीवी। ऐसे कई सिद्ध पुरुष हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। हिमालय में ही एक विराट पर्वत है जिसका नाम है भटकोट पर्वत। इसे लौद्रा पर्वत भी कहा जाता है। अनेक सिद्ध योगी इस पर्वत पर रहते हैं। वह किस रूप में रहते हैं यह जानना बहुत मुश्किल है। वे अक्सर किसी पशु पक्षी के रूप में साधकों को अक्सर दर्शन देते रहते हैं। मुझे 10 साल की उम्र से ही बाबा जी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने बाबा जी के दर्शन प्राप्त किए हैं और उनकी सेवा भी की है। दिल्ली से सफर शुरू करके नैनीताल से होते हुए रानीखेत पहुंचकर वहां से द्वाराहाट की ओर सफर करना है। द्वाराहाट से 18 किलोमीटर दूर स्थित गगाचना पर्वत शिखर पर पहुंचते हैं। यहां से बाबाजी केव्स की ओर का रास्ता शुरू होता है। इस पर्वत श्रेणी में साधकों को उनके इच्छा के अनुरूप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। एक तरफ बर्फ की चांदी से ढके पर्वत की भांति दर्शन देने वाले हिमालय पर्वत हैं, तो दूसरी तरफ ऊंचे पाइन, देवदार और चंदन के वृक्ष हैं। समस्त प्रकृति के साथ एक हो जाने के अनुभव के साथ ये पूरी यात्रा बहुत ही अद्भुत तरीके से गुजरती है। दुनागिरी पर्वत पर चढ़ने के अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। ये अनुभव इतना मधुर है जिसमें लगता है मानो ये हमारे किसी जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। इन अनुभवों का स्मरण करने की अनुभूति ही शरीर को ऊर्जा से भर देती है। जो व्यक्ति 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं उन्हें शरीर की सीमाओं से आगे बढ़कर पर्वत श्रृंखलाओं में चढ़ते हुए देखकर हमें आश्चर्य महसूस होता है। सहज जलप्रपात के स्वरों के साथ, रंग बिरंगी तितलियों के साथ, फूलों के वन से मधुर भावनाओं के साथ ये यात्रा बहुत ही आनंदमयी गुजरती है। लाहिड़ी महाशय को जहां महावतार बाबा जी ने साक्षात सशरीर दर्शन दिए वो स्थान ही कुकुचीना पर्वत है। इस पर्वत पर बनी बाबा जी की गुफा में आज भी उनकी ऊर्जा महसूस होती है। महावतार बाबा जी की साधना की यात्रा कतारगाम से शुरू हुई। वहां से कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए उनकी साधना की यात्रा हिमालय में जारी रही। मानव कल्याण के लिए अवतरित हुए बाबा जी का पहला परिचय दुनिया को लाहिड़ी महाशय ने दिया। उसके बाद उन्होंने कई लोगों को कई जगह दर्शन दिए। बहुत कम लोगों को बाबा जी के बारे में पता लगता था। जब सुपरस्टार रजनीकांत जी बाबा जी के बारे में जानकर यहाँ आने लगे तब से लोग यहाँ बहुत ज्यादा आने लगे। ज्यादातर लोग दक्षिण भारत से ही आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक से भी निरंतर लोग आते रहते हैं। अभी दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता से भी बहुत लोग आते हैं। परमहंस योगानंद जी की किताब योगी कथामृत के द्वारा महावतार बाबा जी के बारे में पूरे विश्व ने जाना। इस गुफा में शुरुआती दिनों में इस पुस्तक के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके योगदा सत्संग सोसाइटी के लोग आए। शुरुआती दिनों में केवल वही इस जगह पर आते थे। एक या दो महीने में मुश्किल से ही कुछ लोग वहां आते जाते थे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट अनदी, लेकिन पीएसएसएम में पितामह पत्री जी के प्रचार के बाद ध्यान, क्रिया योग,
और एक योगी की आत्मकथा के बारे में दुनिया को विस्तार से पता चला, जिसके बाद अब सैकड़ों पिरामिड ध्यानी, हजारों पिरामिड मास्टर्स उस गुफा पर आने लगे हैं और ध्यान के अनुभव प्राप्त करते हैं। इस गुफा में हमें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक तरफ अद्भुत हिमालय पर्वत है और एक तरफ बर्फ से ढके पर्वत के साथ फूलों की भरमार के बीच बहुत ही खुशी के साथ शक्ति से भरे हुए इस स्थान पर लाखों लोगों ने दर्शन करके अनेक आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त किया है। कौसानी पर्वत श्रेणुलु ఒకవైపు సిద్ధ యోగులందరూ కలిసే ప్రదేశమైనటువంటి कौसानी पर्वत में सिद्धपीठ के पास ही द्रोण कृपाचार्य और कई सारे ध्यानी और योगियों का जन्म स्थान यानी संजीवनी पर्वत है। सौंदर्य बिखराने वाले रानीखेत पर्वतों के समूह में एक तरफ गगाचना नदी है तो एक तरफ कुकुचिना पर्वत, दोनों के बीच में स्थित ये गुफा, इसे साधकों के लिए स्वर्ग धाम कहा जा सकता है। एक अद्भुत शक्तिवान योगी को आश्रय देने वाली ये गुफा लगभग 4 से 5 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर की ऊंचाई के साथ सहज सिद्ध रूप से निर्मित होने वाली गुफा की तरह मशहूर है। वहां किसी पेड़ को छूने से भी एक अलग अनुभव प्राप्त होता है, किसी भी पौधे से प्रश्न पूछने पर अलग अनुभव प्राप्त होता है। वहां रहने वाले कुत्ते एवं साधारण जानवर भी अनेक तरह के अनुभव उपलब्ध कराते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गुफा तक जाने वाले लोग रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य अचानक से आकर उन्हें गुफा का रास्ता बता देता है। वो मनुष्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं महावतार बाबा जी ही होते हैं। या कभी एक कुत्ता आता है और वो लोगों को गुफा तक ले जाता है, वो कुत्ता कोई और नहीं है बल्कि महावतार बाबा जी ही होते हैं। साधक की साधना संपत्ति के अनुसार, जागरूकता के अनुसार हिमालय में उसे इसका प्रमाण मिलता है और यही प्रमाण उसके लिए संदेश बनता है। ध्यान साधना करने वाले कई लोग अपने आप को जानने के लिए वहां आकर आत्मज्ञान को प्राप्त करके यहां अनेक अनुभवों को महसूस कर पाए हैं। बाबा जी की गुफा हर ध्यानी एवं योगी के सपनों की जगह है, सिद्धियों को प्राप्त करने का स्थान है, तपस्वियों के लिए दिव्य स्थान है। गुफा में ध्यान करने से शीघ्र ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ ध्यान करने से आत्मा को एक अनंत आनंद की अनुभूति होती है। जन्म परंपरा में हम जिस स्थिति में हैं, उससे उन्नत स्थिति में जाने के लिए तैयार लोग ही यहाँ जाते हैं। महावतार बाबा जी ऐसे सर्वोच्च योगी हैं जिन्होंने हमें बताया कि क्रिया योग के द्वारा मनुष्य हर काम में परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। वारु ये मानवाले कंदिंचनटवंटी महावतार बाबा जी के द्वारा मानव जाति को दिया गया संदेश ही क्रिया योग है। इसमें दो शब्द हैं, क्रिया और योग। क्रिया यानी काम, योग यानी एक हो जाना, एक साथ हो जाना। हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ जुड़े रहना ही क्रिया योग है। मनं कलिसि उंटे दानि पेरु क्रिया योगम। हमें ज्ञात हो या ना हो लेकिन सांस लेना भी एक क्रिया है, इसलिए अपनी सांस के साथ रहने वाली क्रिया ही क्रिया योग है। ये अद्भुत प्रक्रिया हमारे जीवन में कई अद्भुत बदलाव लाती है। इस मुद्रा में एक महान अर्थ छिपा है। ये उंगली शरीर है तो ये उंगली मन है, ये उंगली बुद्धि है और ये उंगली आत्मा है, ये अंगूठा यानी ये सर्वात्मा है। जब इन दो उंगलियों को मोड़ दें तो हाथ इस अंगूठे के साथ इस तरह ढका होता है। इसका अर्थ है कि शरीर को अपने हाल में रहने दें, शरीर के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन और बुद्धि को सर्वात्मा के साथ स्नेह में रखें। आपको धीरे धीरे सही विषय पता चलना शुरू होगा कि आप केवल शरीर नहीं आत्मा। आपको पता चलेगा कि आपको केवल नाखून जितना पता है और अभी आपको एक पर्वत जितना जानना है। आपको पता चलेगा कि आपको केवल नाखून जितने शरीर के बारे में ही पता है, अब आपको पर्वत जितनी आत्मा के बारे में जानना है। ये जान लेने पर कि महावतार क्या है, महावतार अनुभव क्या है, महावतार किस लिए है, महावतार होने वाला अवतरण क्यों मुख्य है, हमें धीरे धीरे सब समझ आना शुरू होगा। कभी न कभी समस्त मानव जाति को महावतार बनना है, स्वयं की शक्ति के साथ प्रकाशित होना है,
स्वयं साधना करके ये जानना है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यही बाबा जी का मुख्य उद्देश्य है। महावतार बाबा जी ने विश्वव्यापक रूप में अनेक नाम एवं रूपों से अनेक अवतारों में समस्त मानव जाति के लिए आध्यात्मिक चैतन्य को प्रज्वलित किया हुआ है। बाबा जी विश्व कल्याण में भाग लेने के लिए सिद्ध योगियों के अनुसंधान में सम्मिलित होते रहते हैं। सिने एक्टर रजनीकांत, रानी मुखर्जी, ड्रम्स के निपुण विद्वान शिवमणि, हिमालय महायोगी पायलट बाबा आदि कई प्रमुख लोगों को बाबा जी के मार्ग पर चलते हुए मानव कल्याण के लिए उनका योगदान देते हुए कृषि कर रहे हैं। रजनी सर, सिने एक्टर रजनीकांत जी, नेता उमा भारती जी, एक्ट्रेस जूही चावला जी समेत बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आए हैं। वो लोग जब यहाँ आते हैं बहुत आनंद महसूस करते हैं। यहाँ एक नई ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। वे यहाँ एंजॉयमेंट के लिए नहीं आते बल्कि ध्यान करने के लिए आते हैं। मेरे होटल में रजनीकांत जी और उमा भारती जी ने स्टे किया है। रजनीकांत जी यहाँ घर बनाने तक मेरे होटल में ही रहते थे। कुकुचिना में स्थित ये गुफा युगों युगों से स्थित है। इस क्षेत्र में और भी कई सारे महान स्थान हैं। यहाँ एक सिद्ध आश्रम है। मुख्य रूप से महाभारत के काल के द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तप किया। वो स्थान ही दुनागिरी है। रामायण काल में चिरंजीवी हनुमान जी ने राम रावण के युद्ध के समय जो संजीवनी पर्वत उठाया वो यहीं है। वैसे ही अपने अरण्यवास में आखिरी एक साल पांडव जहां रहे वो पांडुगोली गुफा यहीं है। उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण आज भी यहां हैं। वैसे ही बौद्ध और हिंदू धर्म संबंधित 18 गुरु परंपराओं से लोग यहां प्रबुद्ध हुए ऐसा कहा जाता है। ये मनुष्य की जन्म मरणम तो किसी भी मनुष्य का जन्म मृत्यु से समाप्त नहीं होना चाहिए। जन्म लेने वाला हर मनुष्य अवतार बनना चाहिए। अवतार ये अवतार यानी मांसपिंड नहीं मंत्रपिंड। हर मांसपिंड को मंत्रपिंड बनना है। ये अवतार महाअवतार महाअवतार होना है। समस्त विश्व को, समस्त प्राणियों को, समस्त लोकों को आत्मदर्शन से दिव्य आत्माओं की तरह खिलना है। यही महाअवतार संदेश है। इदे महाअवतार संदेश।